हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज वासुदेव पंडा, वेलकम टू मास्टर ऑफ इंग्लिश। पिला माने आज इकोनॉमिक्स रो जो प्रथम अध्याय अछि तार पार्ट 1 अर्थशास्त्र रो संज्ञा परिसर ओ विषय वस्तु डेफिनेशन स्कोप एंड सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ इकोनॉमिक्स भितरु आखा पाखी 25 टा एमसीक्यू आमे ए वीडियो रे डिस्कस करिबा। एडा होछि पार्ट 1 यूनिट 1 रो पार्ट 1। तापर आम जीवा पार्ट 2 को, तापर जीवा आम पार्ट 3 को, एभली तीनटा पार्ट रे विभक्त करिबा यूनिट 1 टाकु। ताहले आज आरंभ करिबा, समय नष्ट करिबानी, आम पाखरे बहुत समय अछि, बहुत सारा कोर्स कवर करिवार अछि। त पिले प्रथम प्रश्न होउछि आडम स्मिथ को द्वारा प्रदत्त अर्थशास्त्र रो संज्ञा को केउं संज्ञा कहा जाय। ऑप्शन गुड़ी कहला संपद संज्ञा, कल्याणकारी संज्ञा, स्वल्पता संज्ञा, उपरोक्त समस्त। ताहले पिले हम जानीचे आडा स्मिथ को प्रदत्त अर्थशास्त्र रो संज्ञा को संपद संज्ञा बोली कहा जाए। ताहले ऑप्शन ए होची ठीक उत्तर। दुई नंबर प्रश्न होची कल्याणकारी संज्ञार प्रवर्तक किए, ये होचंती कल्याणकारी संज्ञार प्रवर्तक। ऑप्शन गुड़ी कहला ए स्मिथ, बी रॉबिन्स, सी मार्शल, डी उपरोक्त समस्त। ताले ठीक उत्तर कोटा हबा पिले, ठीक उत्तर होची कल्याणकारी संज्ञार प्रवर्तक होचंती मार्शल। ऑप्शन ट्रिपल आई होची ठीक उत्तर। वर्तमान देखिबा आमे तीन नंबर प्रश्न कोन रहिची अर्थशास्त्र रो जनक किए, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ऑप्शन गुड़ी कहला एडम स्मिथ, मार्शल, हिगो, आउ डी होची उपरोक्त समस्त। ताहले उपरोक्त समस्त तो हबनि पिले, आमे जानिचे ठीक उत्तर होची यस आडम स्मिथ को अर्थशास्त्र जनक बोली कहा जाए। तो ऑप्शन आईटा होची ठीक उत्तर। वर्तमान देखिबा आमे चार नंबर प्रश्न रहिची रॉबिन्स को द्वारा प्रकाशित पुस्तकर नाम कौन। ऑप्शन ए जातीय संपद, ऑप्शन बी अर्थशास्त्र नियमावली, ऑप्शन सी अर्थशास्त्र प्रकृति और तात्पर्य, ऑप्शन डी उपरोक्त समस्त। ताहले क्यों पुस्तकटे रॉबिन्स प्रकाशित करथिले पिले, ठीक उत्तर होउछि ऑप्शन ट्रिपल आई अर्थशास्त्र प्रकृति और तात्पर्य नामक पुस्तक रॉबिन्स को द्वारा प्रकाशित होइथिला। 5 नंबर प्रश्न अबे तुमको पई अछि 5 नंबर प्रश्न होउछि मार्शल को द्वारा प्रदत्त संज्ञार नाम कौन। ऑप्शन ए जातीय संपद, ऑप्शन बी साधारण तत्व, ऑप्शन सी अर्थशास्त्र प्रकृति और तात्पर्य, ऑप्शन डी उपरोक्त कौन सीटी नुहे। ताले ठीक उत्तर 5 नंबर प्रश्न ठीक उत्तर होउछि पिले मार्शल को द्वारा प्रदत्त संज्ञार नाम जातीय संपद नुहे, साधारण तत्व भी नुहे, अर्थशास्त्र प्रकृति और तात्पर्य भी नुहे। ताले ठीक उत्तर उपरोक्त कौन सीटी नुहे, डी होउछि ठीक उत्तर। वर्तमान देखिए आम 6 नंबर प्रश्न परवर्ती प्रश्न अर्थशास्त्र शब्दटी क्यों शब्दरु उद्धार कराइछि। ऑप्शन ए अल्कोहोमिया, ऑप्शन बी स्टेटस, ऑप्शन सी स्टेटक्राफ्ट, ऑप्शन डी उपरोक्त समस्त। ताहले इकोनॉमिक शब्दटा अर्थशास्त्र शब्दटा क्यों शब्दरु आइछि, ठीक उत्तर होउछि अल्कोहोमिया। परवर्ती प्रश्न देखिबा पिले परवर्ती प्रश्न होउछि क्यों मसिहारे स्मिथ तांकर पुस्तक प्रकाश करथिले। ऑप्शन आई 1990, ऑप्शन बी 1776, ऑप्शन सी 1890, ऑप्शन डी 1932। ताहले स्मिथ को पुस्तक के मसिहार प्रकाशित होइतला, ठीक उत्तर होउछि 1776, ऑप्शन बी टा होउछि ठीक उत्तर। 9 नंबर प्रश्न अभी देखिबा आमे संस्थापक अर्थशास्त्र मानक मतरे अर्थशास्त्र रो विषय वस्तु कौन। ऑप्शन ए संपद, ऑप्शन बी उपभोग, ऑप्शन सी संबल रो स्वल्पता, ऑप्शन डी कल्याण। ताले ठीक उत्तर कौन हम पिले संस्थापक अर्थशास्त्र मानक मतरे अर्थशास्त्र विषय वस्तु होउछि संपद, ऑप्शन आई होउछि ठीक उत्तर। परवर्ती प्रश्न अछि तुमको अर्थशास्त्र रो परिसर कहले कौन बुझ। ऑप्शन आई अर्थशास्त्र प्रकृति, ऑप्शन बी अर्थशास्त्र विषय वस्तु, ऑप्शन सी अर्थशास्त्र सीमाबद्धता, ऑप्शन डी उपरोक्त समस्तटी। ताहले ठीक उत्तर कौन पिले अर्थशास्त्र परिसर कहले अर्थशास्त्र प्रकृति यस, अर्थशास्त्र विषय वस्तु यस, अर्थशास्त्र सीमाबद्धता यस। ताहले ठीक उत्तर कौन हम ऑप्शन डी उपरोक्त समस्तटी अर्थशास्त्र परिसर रो अंतर्भुक्त। 11 नंबर प्रश्न देखिबा आमे मार्शल को मतरे अर्थशास्त्र रो विषय वस्तु कहले कौन।
ऑप्शन ए संपदर उपभोग, ऑप्शन बी संपदर विनिमय, ऑप्शन सी भौतिक कल्याण साधन, ऑप्शन डी उपरोक्त समस्त। ताहले ठीक उत्तर कौटा हम पिले, ठीक उत्तर हूँ मार्शल मतरे अर्थशास्त्र विषय वस्तु कहले भौतिक कल्याण साधन, ऑप्शन तीन हूँ ठीक उत्तर। परवर्ती प्रश्न देखा आम तुमको अच्छे मोबाइल स्क्रीन उपरे आधुनिक अर्थशास्त्र मानक मतरे अर्थशास्त्र विषय वस्तु है ड्यास ऑप्शन ए उपभोक्ता संतुलन, ऑप्शन बी उद्योक्ता संतुलन, ऑप्शन सी साधन दर निर्धारण, ऑप्शन डी समस्तटी। ताहले अर्थशास्त्री मानक मतरे अर्थशास्त्र विषय वस्तु है उपभोक्ता संतुलन ठीक, उद्योक्ता संतुलन भी ठीक, साधन दर निर्धारण भी ठीक, ताहले समस्त ठीक, ऑप्शन डी टा होची ठीक उत्तर। तेरह नंबर प्रश्न देखा बेले तेरह नंबर प्रश्न होची अर्थशास्त्र एक कला ना विज्ञान, इकोनॉमिक्स इज एन आर्ट और साइंस, ऑप्शन ए कला, ऑप्शन बी विज्ञान, ऑप्शन सी उभय कला और विज्ञान, देन ऑप्शन डी उपरोक्त कौन सी नुहे। ताहले तेरह नंबर प्रश्न ठीक उत्तर कौन हम बोले अर्थशास्त्र एक कला ना विज्ञान, जदि पचरा जाए आम कह अर्थशास्त्र एक कला एवं विज्ञान, ताहले ऑप्शन तीन हूँ ठीक उत्तर, ऑप्शन सी हूँ ठीक उत्तर। परवर्ती प्रश्न, परवर्ती प्रश्न हूँ मार्शल द्वारा प्रदत्त पुस्तकर नाम कौन, ऑप्शन ए अर्थशास्त्र नियमावली, ऑप्शन बी संपदर प्रकृति और कारण, ऑप्शन सी अर्थशास्त्र प्रकृति और तात्पर्य, ऑप्शन डी समस्तटी। तार ठीक उत्तर हम मार्शल द्वारा प्रदत्त पुस्तकर नाम हूँ अर्थशास्त्र नियमावली, ऑप्शन आई ठीक उत्तर। बर्तमान देखा आम पंदर नंबर प्रश्न, पंदर नंबर प्रश्न कौन क्यों मसीह रबिन्स तांकर पुस्तक प्रकाश करते, ऑप्शन ए 1776, ऑप्शन बी 1890, ऑप्शन सी 1932, ऑप्शन डी समस्तटी। पंदर नंबर प्रश्न ठीक उत्तर कौटा पिले, ठीक उत्तर हूँ क्यों मसीह रबिन्स तांकर पुस्तक प्रकाश करते 1932 मसीह रबिन्स तांकर पुस्तक प्रकाश करते, ऑप्शन सी टा हूँ ठीक उत्तर। षोह नंबर प्रश्न कौन रही तुमको अर्थशास्त्र एक विमर्श विज्ञान, यह किए कही, ऑप्शन ए रस्किन, ऑप्शन बी कार्लाइल, ऑप्शन सी पिगू, ऑप्शन डी मार्शल। तेल किए कही अर्थशास्त्र एक विमर्श विज्ञान बोली। षोह नंबर प्रश्न ठीक उत्तर हूँ यस रस्किन मतरे अर्थशास्त्र एक विमर्श विज्ञान, ऑप्शन ए हूँ ठीक उत्तर। वर्तमान आम देखा 17 नंबर प्रश्न मोबाइल स्क्रीन पर अच्छी तुमको निम्नलिखित मध्य केउटी अर्थशास्त्र सीमाबद्धता, ऑप्शन ए संपद सह जड़ित, ऑप्शन बी अर्थनैतिक कार्यकलाप गुड़िक सार्वजनीन अटे, ऑप्शन सी अर्थशास्त्र स्वाभाविक उपभोक्ता कार्यकलाप अध्ययन करिथाय, ऑप्शन डी उभय ए ओ बी। 17 नंबर प्रश्न ठीक उत्तर कौटा बिले निम्नलिखित मध्य केउटी अर्थशास्त्र सीमाबद्धता संपद सह जड़ित, यस अर्थनैतिक कार्यकलाप गुड़ी सार्वजनीन अटे, यस अर्थशास्त्र स्वाभाविक उपभोक्ता कार्यकलाप अध्ययन करता है, नो ताले ठीक उत्तर हम उभय ए ओ बी, ताले ऑप्शन डी हूँ ठीक उत्तर, आई भी हूँ ठीक उत्तर। 18 नंबर प्रश्न देखा ए 18 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित मध्य केउटी रबिन्स संज्ञा अटे, ऑप्शन ए संपद संज्ञा, ऑप्शन बी स्वल्पत संज्ञा, ऑप्शन सी कल्याणकारी संज्ञा, ऑप्शन डी समस्तटी। 18 नंबर प्रश्न ठीक उत्तर कौन हम बोले निम्नलिखित संज्ञा मानक मध्य रबिन्स संज्ञा हूँ स्वल्पता संज्ञा, ऑप्शन बी हूँ ठीक उत्तर। 19 नंबर प्रश्न अच्छे तुमको 19 नंबर प्रश्न कौन बोले अर्थशास्त्र एक ड्यास धनात्मक विज्ञान, नॉर्मेटिव विज्ञान, उभय आई ओ आई 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 भी उपरोक्त कौन सी नुहे। अच्छा अर्थशास्त्र कौन पिले धनात्मक विज्ञान हाँ, नॉर्मेटिव विज्ञान हाँ, उभय ए ओ बी हाँ, ताहले ठीक उत्तर कौटा पिले ठीक उत्तर हूँ ट्रिपल आई उभय ए ओ बी, आउ जो रहिला डीटा उपरोक्त कौन सी नुहे एटा आप्लिकेबल नुह। वर्तमान देखा आम 20 नंबर प्रश्न, 20 नंबर प्रश्न कौन निम्नोक्त मध्यरु केउटी स्मिथ संज्ञार वैशिष्ट्य, ऑप्शन ए संपद अर्थनैतिक कार्यकलाप आरंभ और शेष, ऑप्शन बी अर्थनैतिक मानव व्यवहार, ऑप्शन सी
ଭୌତିକ ସମ୍ପଦର ବ୍ୟବହାର ଅପସନ୍ ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତଟି। ତାହେଲେ 20 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର କେଉଁଟା ହେବ ପିଲେ? ୟେସ୍, ତମମାନେ ଠିକ୍ କହିଛ, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତଟି ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆମେ 21 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଚ୍ଛା, 21 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ପିଲେ? ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ସଂଜ୍ଞାର ସୀମାବଦ୍ଧତା? ଅପସନ୍ ଏ ଭୌତିକ କଲ୍ୟାଣକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ, ଅପସନ୍ ବି ଅଣଦେଖା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ, ଅପସନ୍ ସି ସମ୍ପଦକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ, ଅପସନ୍ ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତଟି। 21 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ସଂଜ୍ଞାର ସୀମାବଦ୍ଧତା ହେଉଛି ଭୌତିକ କଲ୍ୟାଣକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ, ଅପସନ୍ ଆଇ ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। 22 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ପିଲେ, ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର 2ଟି ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଯାହାକୁ କହୁଛେ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ସ୍ୱଳ୍ପତା, ଅପସନ୍ ବି ଚୟନ, ଅପସନ୍ ସି ସମ୍ପଦ, ଅପସନ୍ ଡି ଉଭୟ ଆଇ ଓ ଆଇ ଆଇ। 22 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ୟେସ୍, ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର 2ଟି ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ସ୍ୱଳ୍ପତା ୟେସ୍, ଚୟନ ୟେସ୍, ସମ୍ପଦ ନୋ। ତାହେଲେ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ସ୍ୱଳ୍ପତା ଓ ଚୟନ। ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଡି ଉଭୟ ଆଇ ଓ ଆଇ ଆଇ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆମେ 23 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ରୁଟି ଓ ଲହୁଣୀର ବିଜ୍ଞାନ, ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଇଜ୍ ଦ ସାଇନ୍ସ ଅଫ୍ ବ୍ରେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ବଟର୍, ଏହା କିଏ କହିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ସ୍ମିଥ, ଅପସନ୍ ବି ମାର୍ଶାଲ, ଅପସନ୍ ସି ଖାର୍ଲାଇଲ, ଅପସନ୍ ଡି ରସ୍କିନ୍। ତାହେଲେ କଥା କିଏ କହିଥିଲେ ପିଲେ? ୟେସ୍, ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ରୁଟି ଓ ଲହୁଣୀର ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି ବିଶିଷ୍ଟ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ କାର୍ଲାଇଲ୍ କହିଥିଲେ। ଅପସନ୍ ସିଟା ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପିଲେ। 24 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି। 24 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ? ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରକୁ କୁବେରଙ୍କ ଧର୍ମତତ୍ଵ ଗସ୍ପେଲ୍ ଅଫ୍ ମେମନ୍, ଏହା କିଏ କହିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ମାର୍ଶାଲ, ଅପସନ୍ ବି ଫିଗୁ, ଅପସନ୍ ସି କାର୍ଲାଇଲ, ଅପସନ୍ ଡି କେନ୍ସ। ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର କେଉଁଟା? ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରକୁ କୁବେରଙ୍କ ଧର୍ମତତ୍ଵ ବୋଲି କିଏ କହିଥିଲେ? ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ 24 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ୟେସ୍, କାର୍ଲାଇଲ୍ କହିଥିଲେ। କାର୍ଲାଇଲ୍ ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଛି ଅଂଶ ନାହିଁ ପିଲେ, ତଥାପି ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ମାନବିକ ପ୍ରକୃତିକ ପ୍ରକୃତିର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ମାନବିକ ପ୍ରକୃତିର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ? ଅପସନ୍ ଏ ଅଭାବ ଅସୀମ, ଅପସନ୍ ବି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଭାବ ପରିତୃପ୍ତ କ୍ଷମ, ଅପସନ୍ ସି ସମ୍ବଳ ସ୍ୱଳ୍ପ, ଅପସନ୍ ଡି ସମସ୍ତଟି। ତାହେଲେ ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର କେଉଁଟା ହେବ ପିଲେ? ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସମସ୍ତଟି, ଅଭାବ ଅସୀମ, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଭାବ ପରିତୃପ୍ତ କ୍ଷମ, ସମ୍ବଳ ସ୍ୱଳ୍ପ, ଏହି ସବୁ ହେଉଛି ମାନବିକ ପ୍ରକୃତିର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ତ ଏଥିସହିତ ଆଜିର ପ୍ରଥମ କାଳାଂଶ ଫର୍ଷ୍ଟ ପିରିୟଡ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ସର ୟୁନିଟ୍ 1ର ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ସରିଯାଇଛି। ଆଶା କରୁଛି ଦିସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ୱିଲ୍ ହେଲ୍ପ ୟୁ ଟୁ ଗେଟ୍ ଗୁଡ୍ ମାର୍କ୍ସ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ, ଷ୍ଟେ ଟ୍ୟୁନ୍ ୱିଥ୍ ମାଷ୍ଟର୍ ଅଫ୍ ଇଂଲିଶ।